आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द लास्ट वन अमंग द क्वांटम नंबर्स, आखिरी क्वांटम नंबर है जिसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर से पहले जो हम तीन क्वांटम नंबर्स पढ़ के आए हैं दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स एन, एजिमुथल क्वांटम नंबर एल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम। अब एन जो था हमें बताता था शेल्स और उनके एनर्जी लेवल्स, एल हमें बताता था उस शेल के अंदर मौजूद सब शेल्स जिनको हमने एस पी डी एफ पढ़े, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो था हमें इन सब शेल की ओरिएंटेशन बताता था। अब जो आखिरी है वो है आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर जो कि हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताएगा। अब होता क्या है, वो कहता है कि अल्कली मेटल्स जो उनसे हैं, अल्कली मेटल्स आर दोज मेटल्स जो कि ग्रुप 1A के अंदर मौजूद हैं आपके प्रोडक्ट टेबल के अंदर। तो अल्कली मेटल्स जैसे कि सोडियम पोटेशियम एट्सेट्रा, इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो दे हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। सबसे बाहर वाले शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक हैं। वो कहता है जी इसको जब हम हीट करते थे, अगर आपको एमिशन स्पेक्ट्रम याद हो, एमिशन स्पेक्ट्रम, तो उसके अंदर हम क्या करते थे कि जब आपका इलेक्ट्रॉन जो था वो एक्साइटेड स्टेट से जंप करता था ग्राउंड स्टेट में, आप अपनी गैस को जो मतलब आपका जो सैंपल होता था उसके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, उसको हीट अप करते थे, वो एनर्जी लेने के बाद एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता था। जब उसे छोड़ते थे तो वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट पे आता था और रिलीज़ करता था फोटॉन, और लाइट की शक्ल में एनर्जी को रिलीज़ कर देता था। उसको जब हम स्पेक्ट्रोमीटर में देखते थे तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आता था दैट वॉज कॉल्ड एज द एमिशन स्पेक्ट्रम। वो कहता है जी कि आपके पास जब एटॉमिक स्पेक्ट एमिशन स्पेक्ट्रम आया किसका, अल्कली मेटल्स का, तो उसके अंदर क्या मौजूद थी, लाइंस मौजूद थी। सही है, ये तो हमें पता है कि लाइन स्पेक्ट्रम है तो लाइंस जो सी हैं वो मौजूद होंगी। फिर वो कहता है जब इन स्पेक्ट्रा को, स्पेक्ट्रम की जमा है स्पेक्ट्रा, जब आपने ऑब्जर्व किया अंडर हाई रेजोल्यूशन, अब आपने उस स्पेक्ट्रा को जब हाई रेजोल्यूशन के अंदर जो है वो स्टडी किया तो पता चला कि आपका जो सा ईच लाइन हैज या इज कंप्राइज्ड ऑफ टू लाइंस। हर लाइन जो है वो दो लाइनों से मिलके बनी है, कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ लाइन जिसको आपने कहा डबलेट, डबलेट फॉर टू, डबलेट लाइन स्ट्रक्चर। ये जो लाइन स्ट्रक्चर आपके पास नया सामने आया है डबल वाला, इसको आपने उस स्ट्रक्चर से कंफ्यूज नहीं करना जो हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्टडी करते वक्त पढ़ा था। उसमें हमने यही देखा था कि जब आप निकलने वाली लाइन को हाई रिजॉल्विंग पावर से देखते थे तो आपके पास एक फाइन स्ट्रक्चर के नाम से जो चीज़ पैदा होती थी, फाइन स्ट्रक्चर आपको मिलता था जिसमें अंदर छोटी छोटी सेवरल लाइंस मौजूद होती थी, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। लेकिन जो डबलेट है ये कुछ और है, तो आपने जो है डबलेट स्ट्रक्चर को फाइन स्ट्रक्चर के साथ कन्फ्यूज़ नहीं करना। इट मस्ट बी मेड क्लियर कि जोन सी, अब इनमें फ़र्क क्या है, फाइन स्ट्रक्चर के अंदर जोन सी लाइंस हैं दे आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड।
जबकि डबलेट स्ट्रक्चर के अंदर जो उनसी टू लाइंस हैं दे आर वाइडली सेपरेटेड. तो ये दोनों चीज़ें टोटली डिफरेंट हैं, तो इनको आपने आपस में कंफ्यूज नहीं करना. वो जो एक लाइन का सेवरल फाइन लाइंस के अंदर, जिसको हम फाइन स्ट्रक्चर या मल्टीपल स्ट्रक्चर भी कहते थे, उसमें जो वो स्प्लिट हो जाती हैं, दैट डिफाइंस दी एज इमॉर्टल क्वांटम नंबर. एंड डबलेट में हमेशा दो लाइंस होंगी एंड दोज विल बी वाइडली सेपरेटेड. तो यहाँ से पता चला कि अब आपके पास कुछ और भी ऐसा है, या जो डबलेट लाइन है ये कुछ और भी रिप्रेजेंट कर रही है. ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये जो है, इस ये फाइंडिंग की आपके पास 1925 में दो साइंटिस्ट ने, जिनके नाम हैं गाउड्समिट एंड लेनबेश, इन दो बंदों ने 1925 में ये सजेस्ट किया कि जब भी आपके पास एक जो इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है आपके पास सर्कल में, या आपके रोटेशन में है ऑर्बिट के अक्रॉस इन अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करता है, इट आल्सो स्पिन्स. ये अगर इसका एक्सिस है तो इट स्पिन्स अलोंग दी एक्सिस ऑफ इट, अपने ही एक्सिस के गिर्द जो है ये स्पिन भी कर रहा होता है. और स्पिन जो सा है वो दो तरह का होगा, या वो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, या वो फिर क्या होगा, क्लॉकवाइज. तो ये दो तरह के स्पिन जोन से हैं आपके पास नज़र आते हैं. अगर ये आपके पास एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो या वो इस डायरेक्शन में घूम रहा होगा या वो इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा होगा. तो ये स्पिन जो है, जिस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ रोटेशन. और आपके पास वो जो डबलेट लाइन आई थी एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर, वो जो चीज़ रिप्रेजेंट कर रही थी, दैट वाज रिप्रेजेंटिंग दी स्पिन ऑफ दी इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से हम उसको नाम देते हैं स्पिन क्वांटम नंबर का. तो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर स्पिन क्वांटम नंबर, कि स्पिन क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जो है वो स्पिन कर रहा है. अब यहाँ पर एक और बेसिक साइंस है कि जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है, उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होती है. दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स. चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, ये जब मूव करेगा तो इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी एसोसिएट होगी. ये बेसिक तरीन फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है. तो अगर ये नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल है, और आपके पास ये आपका इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, तो आपके पास जो है नॉर्थ टू साउथ पोल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनेगी दिस इन दिस डायरेक्शन. सिमिलरली अगर इसकी डायरेक्शन आप मैं उल्टी कर दूं, इस डायरेक्शन में अगर ये स्पिन करेगा तो आपके पास नॉर्थ पोल नीचे और साउथ पोल ऊपर आ जाएगा, और आपके पास जो उसकी मूवमेंट से डायरेक्ट वो बनेगी, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो कि आप किसके गिर्द बनेगी वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ पोल होती है, तो उसकी डायरेक्शन अब रिवर्स हो जाएगी. तो जब भी स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, उसके साथ आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाजमन जो है वो एसोसिएट होगी, और उनके साथ एक मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा. मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, कि ये दोनों जो हैं आपस में अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी, तो उनकी वजह से उनकी ओरिएंटेशन ऐसी होगी कि अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एक जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जो सा है वो घूम रहा होगा, और जिसके नतीजे में आपके पास अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होंगी, जैसा कि ऊपर डायग्राम में आपको नज़र भी आ रहा है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है. तो स्पिन जो है रिस्पॉन्सिबल है, द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डबलेट स्ट्रक्चर, डबलेट लाइन स्ट्रक्चर जो कि हमने एल्केली मेटल्स के
एमिशन स्पेक्ट्रम में स्टडी किया। तो ये चौथा क्वांटम नंबर था जो कि हमें ये बताता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है आपके शेल के अंदर, आपके इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिट के अंदर, सब शेल के अंदर, वो किस डायरेक्शन में जो है स्पिन कर रहा है, उसकी स्पिन जो है वो क्या है। तो ये थे हमारे पास चार क्वांटम नंबर्स, जिसमें सबसे पहले n, एजीमुथल l, मैग्नेटिक m एंड स्पिन s। दीज फोर वर्क एज द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये शेल बताता है कि ये शेल कौन सा है, ये बताएगा उसका सब शेल, ये बताएगा उसकी ओरिएंटेशन कि ये किस अंदाज में पूरा सबशेल लोकेट हुआ है, और ये बताएगा उसका स्पिन। तो दीज आर द फोर क्वांटम नंबर्स विच आर द बेसिक मोस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड दिस मस्ट बी वेरी क्लियर। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन चारों के चारों स्ट्रक्चर्स का जो हमने स्टडी किया है वी विल समराइज इट इन अ टेबल, हम उसको समराइज करेंगे सब के सब क्वांटम नंबर्स को। सबसे पहला था n, नंबर टू इज l, then came m, and in the last it came the spin quantum numbers। तो n, l, m और s are the four quantum number। जब n एक था, n was one, it meant कि ये k subshell है, तो आपके पास l की value zero थी और ये s subshell को show कर रहा था, और m की value भी ज़ीरो थी। अब स्पिन जो है, स्पिन को हम दो तरह से लिखते हैं, प्लस वन बाय टू एंड माइनस वन बाय टू। इसका मतलब है एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी लिखूँ, तो आपने उस फार्मूले से इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पिछले टॉपिक में आप ऑलरेडी निकाल आए थे, दिस बिकम्स टू। गोइंग नेक्स्ट इज एन इज इक्वल टू टू। अब एन जब टू होगा तो आपके पास शेल हो गया एल, इसकी अब दो वैल्यूज होंगी, वन ज़ीरो एंड वन। ये होगा एस सब शेल और ये होगा पी सब शेल। एम की वैल्यू डिपेंड करती थी एल के ऊपर, और ये होंगी अब ज़ीरो के लिए ज़ीरो, और इसके लिए ज़ीरो प्लस वन और माइनस वन, पी के लिए थ्री, एस के लिए ज़ीरो, राइट। इसी तरह इनकी सेम जो है स्पिन होगी दोनों के केस में। अब L के अंदर दो सबशेल हैं, और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, S सबशेल दो और P सबशेल छः, और टोटल कितने हुए, आठ। तो ये जो है आपके पास L सबशेल के अंदर, या जब मैग्नेटिक नंबर टू था तो उसके अंदर L, M, S और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है हमने यहाँ पे स्टडी किया है। ओके, गोइंग नेक्स्ट इज n इज इक्वल टू थ्री। जब n थ्री होगा तो ये m सबशेल कहलाएगा, इसमें अब तीन वैल्यूज इन्वॉल्व होंगी l की, जीरो वन एंड टू, s, p एंड d। नेक्स्ट इज आपके पास s के लिए m की वैल्यू जीरो, p के लिए तीन वैल्यूज माइनस वन प्लस वन एंड जीरो, और डी के लिए आपके पास होंगी फाइव वैल्यूज, जीरो प्लस वन माइनस वन, प्लस टू माइनस टू। सिमिलरली इन सब के जो उनसे हैं वो स्पिन सेम रहेंगे, तो ये ऐसे ही आपके पास नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे इनके अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखूँ, तो एस सबशेल के लिए दो, पी के लिए छः और डी के लिए 10, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18। तो दिस इज बेसिकली द समराइजिंग ऑफ ऑल दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नेटिक नंबर। इसको अगर मैं अब एक्सटेंड करूं यहाँ पे फॉर द n इज इक्वल टू 4 के लिए, तो ये आपके पास शेल बनेगा n, दिस विल हैव नाउ फोर वैल्यूज l की, 0, 1, 2 एंड 3, s, p, d एंड f।
इसकी जो वैल्यूज होंगी m के लिए, s की 0, इसकी होगी 0 और प्लस माइनस 1, इसकी होगी 0 प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2, 5 सिमिलर, और इसकी f की अब हो जाएंगी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3। तो ये वैल्यूज आ गई आपके पास किसकी, m की, और ये l था और ये n, राइट। अब आपके पास जो अगली चीज़ है वो s है, वो उसी तरह 1/2 और -1/2, ये स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन का ये या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। कमिंग लास्ट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एस के अंदर दो होते हैं, ये हम पीछे स्टडी कर रहे हैं अपने, जब हमने फार्मूले की मदद से अजीमुथल क्वांटम नंबर में सबशेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे। पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 होते हैं और एफ के अंदर 14। तो इनको जब मैं सबको सम अप करूंगा तो दैट विल कम आउट टू बी 32। तो यहाँ पे आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये हमने यहाँ पे समराइज़ किया है तमाम के तमाम क्वांटम नंबर्स को, तो लिहाजा ये बात जो आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए कि पहले शेल के अंदर 2, फिर 8, फिर 18 और 32, ये जो आप प्रीवियस क्लासेस में अपने इसको स्टडी करके आए हुए हैं या इसको याद आपने किया था अपने मैट्रिक क्लासेस में, उसकी डिटेल अब आपको पता लग चुकी है कि 8 कैसे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर एस और पी दो सब शेल्स होते हैं, एस के 2 और पी के 6 मिल के 8 बनते हैं। तो दिस वॉज द समरी ऑफ द होल क्वांटम नंबर्स जो कि हमने चार स्टडी किए हैं, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड लास्ट वन वाज एस स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे हमारे क्वांटम नंबर्स के रिलेटेड जो पोर्शन है इस चैप्टर का वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टाइम हम जो है इसके आखिरी एक दो टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होने के करीब पहुँच जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।